सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को नसीहत दी है कि कांग्रेस अपने गिरेवान में झांक कर देखे और देश की सुरक्षा को लेकर बुद्ध की बयानबाजी ना करे। हमीरपुर के हीरानगर के पास नुक्कड़ जनसभा के बाद अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस क्या करना चाहती है, क्योंकि पहले राहुल गांधी पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए थे और अब भारत के साथ कश्मीर में अलग अलग पीएम होना चाहिए। अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी के मैनिफेस्टो में देशभक्तों को कमजोर करने और देशद्रोहियों को मजबूत करने के लिए बनाया गया है। उन्होंने कहा कि भारत के टुकड़े करने वाले पाकिस्तान को समर्थन देने के लिए राहुल गांधी काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कुर्सी के चक्कर में राजनीति को इतना नहीं गिरा सकती, क्योंकि देश की जनता सब जान चुकी है और कांग्रेस के नेताओं को देश की सेना पर भरोसा नहीं है, तो अपनी सुरक्षा क्यों नहीं वापस कर देते। कांग्रेस अपने गिरेबान में झांके, 26/11 का हमला हुआ तो कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस तो बदला भी नहीं ले पाई, ना ही पूरी दुनिया भर के देशों को अपने साथ खड़ा कर पाई। और यही नहीं, जब जब कांग्रेस आई तब तब देश में भी लूट मची और देश के अंदर अगर मैं दिल्ली और मुंबई की ही बात करूं तो 500 लोगों की जान बम धमाकों में चली गई थी, आतंकवादी घटनाओं में गई थी। पिछले 5 साल का नरेंद्र मोदी जी का रिकॉर्ड उठाइए, ना दिल्ली ना मुंबई ऐसी कोई घटना नहीं हो पाई। दूसरा मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस को तो शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने जिस तरह का मैनिफेस्टो निकाला है वो देशभक्तों को कमजोर करने और देशद्रोहियों को ताकत देने का है। क्या करना चाहती है कांग्रेस? टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ पहले राहुल गांधी खड़े हो गए, अब भारत के टुकड़े करने वालों को समर्थन देने की तरह इनका ये मैनिफेस्टो नजर आता है। आखिरकार एक राष्ट्रीय दल जो कई वर्षों तक सत्ता में रहा हो, वो और उनके सहयोगी दल अब ये कहें कि भारत में 2 प्रधानमंत्री होंगे, कश्मीर में अलग प्रधानमंत्री होगा। राहुल गांधी को इस बात का जवाब देना होगा। कांग्रेस कुर्सी के चक्कर में राजनीति को इतना नीचे नहीं ले जा सकती कि देश के लिए सुरक्षा के खतरे पैदा हो जाएं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद अपनी सेना के साथ तो कांग्रेस खड़ी नहीं रह पाई, उल्टा ये कह दिया कि हमला क्यों किया, ये कह दिया कि कितनी लाशें गिरा कर आए, ये इनके नेताओं ने पूछा कितने पेड़ गिरा कर आए। अरे शर्म करो थोड़ी बहुत। कांग्रेस के नेताओं से मैं पूछना चाहता हूं, अगर आपको इतना ही अपनी सेना पर भरोसा नहीं है तो अपनी सुरक्षा क्यों नहीं वापस कर देते। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुखविंदर सुक्खू के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि सुक्खू कांग्रेस सीट पर चुनाव लड़े और तभी पता चलेगा कि कौन कितना समय संसदीय क्षेत्र में रहता है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि उल्टा सुक्खू ने भी कभी अपने विधानसभा क्षेत्र की तरफ नहीं देखा है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि उनकी सरकार के समय में वीरभद्र सिंह के साथ नोकझोंक का कितना नुकसान हमीरपुर जिला को भुगतना पड़ा है, इसका खमियाजा नहीं हो सकता। वो आए चुनाव लड़े, उनको पता चल जाएगा कौन कितना संसदीय क्षेत्र में रहता है। कभी अपने विधानसभा भी आकर देखें, जो सड़कों की दुर्गति उनकी सरकार ने पिछले 5 वर्षों में की, वो प्रदेश अध्यक्ष थे, क्या हालत इलाके की और उनकी और वीरभद्र जी की राजनीति के कारण जो नुकसान हमीरपुर जिला को झेलना पड़ा है वो हम कभी भूल नहीं सकते। वहीं हमीरपुर सदर विधायक नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों से हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज का सपना पूरा हुआ है, जिसे कई सालों तक प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने लटकाया हुआ था। उन्होंने कहा कि जैसे ही प्रदेश में बीजेपी सरकार बनी तो सबसे पहले मेडिकल कॉलेज शुरू किया गया। उन्होंने कहा कि आज जनता को फैसला करना है कि विकास करने वाली सरकार चाहिए या फिर बातें करने वाली सरकार। आपके बीच में हमें यहाँ इलेक्शन में देखी थी तो बार बार आवाज आ रही थी हमारे हमीरपुर हॉस्पिटल की बहुत बुरी हालत। माननीय मोदी जी ने और राज जी के प्रयासों से 5 साल पहले हमीरपुर के मेडिकल कॉलेज सेंशन हुआ था, लेकिन कांग्रेस नहीं जाती मिली हमीरपुर में। फिर 5 साल जमीन का मसला लटकाए रखा, कोई कह रहा यहाँ खोलो वहाँ खोलो और ये कौन सी सरकार में मेडिकल कॉलेज खोली पाए। तो जैसे ही हमारी सरकार बनी, माननीय जयराम जी मुख्यमंत्री बने, आवाज दी और हमने आके 4 महीने के अंदर इस मेडिकल कॉलेज का फाउंडेशन रखा।
आज जो 15-20 डॉक्टर सुबह से हमें ऊपर हॉस्पिटल में थे, आज 125 और 130-132 हॉस्पिटल में डॉक्टर जो है वो हर समय आपकी सेवा के लिए मेडिकल कॉलेज में आपको हाजिर मिलेंगे। और सौ